नमस्ते बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम जिस गली में मैं रहता हूँ नामक डायरी के बाकी भाग पढ़ेंगे। जिस गली में मैं रहता हूँ, किसने ये कहा? हमारा लेखक मिर्जा गालिब। हमारा लेखक अजली डॉक्टर कैलाश नारद। कैलाश नारद ने ये हिंदी में लिखा है। मिर्जा गालिब का डायरी है ये। मिर्जा गालिब उर्दू में लिखता है। इसको अनुवादन करने व्यक्ति डॉक्टर कैलाश नारद है। ये मिर्जा गालिब का डायरी है। इस डायरी में उसको एक घटना लिखी है। उस समय अंग्रेजों ने हमारे अत्याचार किया और उसके बाद अंग्रेजों हमें कई लोगों को घर को जला दिया और उसके हवाला किया और उसको बंद कर दिया और कैदागार में लेने लगा। इसी प्रकार कई तरह और उसको पानी मिलने से भी बहुत दिक्कत आई। उस एरिया में दिल्ली की घटना है, समझा? जरा क्लास में हम पढ़े दिल्ली के एक घटना, दिल्ली के एक मोहल्ले की अवस्था इसी प्रकार है और साधारण जनता की अवस्था इसी प्रकार है। ये है यहाँ मिर्जा गालिब ने हमसे कहा। उनको पानी की दिक्कत हुई और पानी न मिलने से वे क्या किया, वे उसके एरिया के उसके मोहल्ले की बंद कर लिए पत्थर हटाने के बाद एक घड़ा लेकर पानी लेने के आया और पानी नहीं मिलने से वे शौरा बारूद के पानी, जहरीले पानी मिलने पीने की अवस्था बनी। इस समय वे कहते हैं यह असली पानी नहीं है, यह मौत पी रहा है। मौत पीला मरणं कुडिक्कुका मीन्स विषम कलर्न जलमान अवर्क्क अन्न लभिच्चिट्टुंडायिरुन्नत। इसी तरह वे अंग्रेजों ने उससे उसके अत्याचार किया, उसे इसी तरह अनुभव है। और एक दिन मिर्जा गालिब के घर में कई हजारों लोग अंग्रेजों ने आया और उसके साथ कई लोगों को कैदखाने में बंद करने की हुक्म दिया। कर्नल ब्राउन नामक एक अंग्रेजी अफसर के साथ उसको लाया। इसी समय मिर्जा गालिब से उससे कहता है, तुम कौन क्या करते हो? इसी समय मिर्जा गालिब ने उत्तर दिया कि वे एक पोएट है। एक कवि होने के कारण उनको और उनके पड़ोसियों को, उसके परिवारों को और उसके पड़ोसियों को वे बचा लिया और अन्य लोगों को वे हवालात में कैद गए और कैदखाने में बंद कर दिए थे। और इसके साथ भी वे कैदखाने में बंद करने के बाद उनको फांसी दी दिया। फांसी देना तूक्किलेट्टपेडुका, अनेकमायिरम आल्क्कारे ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവരെ തടവിലാക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അവരെ തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു. ധാരാളം ആൾക്കാര് ഇതുപോലെ ദില്ലിയിൽ താമസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മരണത്തിന് അടിമയാകുന്ന, മരണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അവർക്കന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വേ കഹതാഹേ ദില്ലി മേ രഹന मानो अपराध है। दिल्ली में होने वाले के कारण उनको कैदखाने में बंद किया और फांसी दे दिया और बाकी जनता वहां से भाग गया। बाकी आलकार अवड़े ओडी रक्षपेट्टु। और एक दिन की अवस्था
उसके एक पहचान व्यक्ति बिस्ती है बिस्ती मीन्स वेल्लन सुमन्नु कोंडु पोकुन्न आळे परयुन्न पेराण बिस्ती एक सीधा आदमी वे अल्लाह को अल्लाह का गुणगान गाता हुआ सड़क पर घीन से देखने के लिए जाता था उसका नाम है चिरागली चिरागली कैसे मार डाला चिरागली ने पिछले क्लास में हम पढ़े चिरागली नामक एक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई चिरागली नामक व्यक्ति सड़क पर सींच रहा था उस समय कौन आया था हटसन साहब नामक एक हटसन नामक एक व्यक्ति वहां से घोड़े पर सवारी करने के लिए आया था और हमारा चिरागली अल्लाह के गुणगान गाता हुआ वहां से चला रहा था इस समय वे हटसन को सलाम नहीं किया इस कारण वे उसको मार डाला उसके पेट पर तलवार को घींचा इसी प्रकार उसकी मृत्यु हुई चिरागली नामक उस सीधा आदमी को मृत्यु हुई कौन उसको मार डाला हटसन नामक एक व्यक्ति उस व्यक्ति ने हटसन साहब ने उसको मार डाला अब तक हम पिछले क्लास में पढ़े आज हमको बाकी बात मेरे पड़ोस में एक गरीब औरत महरुन्निसा रहती है उसके पति की मौत को 7 साल हुए है अकेली औरत दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर किसी तरह से अपने गुसर बसर करती थी लेकिन जब घर ही नहीं रहे बस्ती की बस्तियां जला दी गई तो महरुन्निसा काम न मिलने से भूख मरने लगी आज उसके यहाँ मैंने 10 रोटियां पहुंचाई दूसरी जो 10 रोटियां भेजी उससे मेरे दोनों बेटों और नौकरों को काम चला मेरे हिस्से में 1.5 रोटी आई फिर भी तसली थी मेरी रोटियों से महरुन्निसा और उसके 2 बेटियों की भूख तो बुझी मेरी क्या मेरी तो भूख रहने की आदत हो गई और बच्चों मिर्जा गालिब की पड़ोस में रहने वाले एक औरत के बारे में देखा है पड़ोस में रहने वाला क्या है पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी नाइबर मिर्जा गालिब का एक पड़ोसी है उसका नाम है महरुन्निसा उसका नाम है महरुन्निसा महरुन्निसा के पति मर गई 7 साल पहले मर गई वे एक अकेला औरत अकेला एलोन उस व्यक्ति के नाम क्या है उस औरत के नाम क्या है महरुन्निसा मिर्जा गालिब की एक पड़ोसी है महरुन्निसा उसके पति 7 साल के बाद मर गई वे अकेला हुई वे दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर अपने जीवन बिताता है दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर झाड़ू लगाना अड़च वाले മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് ദൂസരൊക്കെ ഘർ സേ ചാടൂ ലഗാകർ അപ്പന ജീവൻ ബിതാനേ വാലേ ഏക ഔരത് ഹേ ഇസമയ ഉസ്കോ ന കാം ഹേ അംഗ്രേസോ കേ അത്യാചാർ കർനേ സേ ഉസ്കോ ന കാം ഹേ വേ ഭൂക് സേ മർ ഗൈ ഭൂക് ഉസ്കോ ഭൂക് ഹോനേ ലഗ ഭൂക് ഹോന विशप उंडावगा विशक्कगा उसको भूख होने लगा और इस समय उसको 10 रोटियां पहुंचाई उसको 10 रोटियां मिली इस रोटियों से वे अपने परिवार को इसको दिया था और इसके बाद 4 रोटियां भेजी हुई थी इससे वे दोनों बेटों और नौकरों को दिया उसके हिस्से में 1.5 रोटी आई 1.5 उसको 1.5 रोटी आई और फिर भी वे उसकी रोटियों से महरुन्निसा और उसकी 2 बेटियों को दी वे कहते हैं
अपने हुए रोटी से वे महरुनिसा को दो रोटियां दिया। वे कहते हैं कि मुझे भूख लगने की आदत हुई, എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും, കാരണം ഞാൻ എന്നും വിശന്നിരുന്ന ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ അന്ന് തന്റെ ഭക്ഷണം മുഴുവനായിട്ടും മെഹറുനീസയ്ക്ക് നൽകി. വേ കൽത്തെ ഹേ മേരി തോ ഭൂക്ക് രഹനേ കി ആദത്ത് ഹോഗീ ഹേ മേരി തോ ഭൂക്ക് രഹനേ കി ആദത്ത് ഹുയി എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം, എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കാനുള്ള ശീലം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം കുഴപ്പമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. പരിച്ഛേദമേ മെഹർനിസ നാമ ഉസ്കെ പഡോസിക്ക് അവസ്ഥക്കെ ബാരേമേ മിർജ ഗാലിബ്നെ ഹംസെ കഹ. അഗല പരിച്ഛ മേര പഡോസി ഹീര സിംഹ് എക് നൗജവാൻ ഹെ വ മുജെ ഹിമ്മത്ത് ബന്ധാത ഹെ ഇസ് आधे वीरान और आधे आबाद शहर में शिवजी राम भी तो है जो मुझसे कहते हैं मुसीबत के ये दिन कभी न कभी तो खत्म रहेंगे. उनका लड़का बाल मुकुंद मुझे अपने पिता की तरह सहता है. जब मैं बीमार पड़ा, बाल मुकुंद अंग्रेज सिपाही की नजरों में बचाते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले गया. हकीम की दवा से मेरा जान बची. मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है. उसके एक अन्य पड़ोसी का नाम है हीरा सिंह, एक नौजवान है, एक जवान है. और वे कहता है मुसीबत के ये दिन कभी न कभी ही घटेंगे. मुसीबत के दिन बुद्धिमुटुला प्रयास ई दिवस मुसीबत के दिन कभी न कभी भी घटेंगे. और उसका लड़का बाल मुकुंद, उसका लड़के का नाम है बाल मुकुंद. हीरा सिंह उसका पड़ोसी है और हीरा सिंह के बेटा का नाम है बाल मुकुंद. बाल मुकुंद मिर्जा गालिब ने कहता है बाल मुकुंद उसके पिता के मित्र है और पिता की तरह वे उसको देखता है. बाल मुकुंद को अपने नसरों से वे सोच रहा था कि जब उनको एक दिन बीमार हो गई, इसी समय वे अंग्रेजों से बचाव उसको एक हकीम से ले जाने की वे तैयार है. किसको बीमार पड़ा? मिर्जा गालिब को बीमार पड़ा. इसी समय वे अंग्रेज सिपाहियों को नसरों से बचाते एक हकीम को उसके पास ले गया और उसको सुख प्राप्त किया, उसका जान बचाया. जान बचाना जीवन रक्षक का. किसने किसकी जान बचाया? मिर्जा गालिब की जान बाल मुकुंद ने बचाया. मिर्जा गालिब की जान बाल मुकुंद ने बचाया. कैसी तरह वे बचाया? उसको बीमार होते हुए भी वे अंग्रेजों की नसरों से बचाते एक हकीम के पास ले गया. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഒരു വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് തന്റെ അസുഖം ബാല മുകുന്ദ് ഭേദമാക്കിയത്. അത് അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. ദേഖോ അഗല പരിചയം. मुझे जिंदगी बाल मुकुंद की मदद से ही वापस मिली. दूर के दोस्तों में मेरठ के हरिगोपाल नुक्ता है, वे शायरी करते हैं. उन्होंने मुझे अपने घर मेरठ से नकद रुपया भेजा है. गेहूं की कुछ बोरियों भी नुक्ता के आदमी मेरे घर रख गए हैं. उन्होंने कहला भेजा कि मैं फिक्र न करूं, वे मेरी मदद हर किसे से करते रहेंगे. बाल मुकुंद की मदद से मेरा जान वापस ली. क्या कहा? बाल मुकुंद की मदद से मेरा जीवन वापस मिली. എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ബാലമുകുന്ദിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ്. ബാലമുകുന്ദ് കി മദദ് സേ മേരാ ജാൻ
वापस मिली तिरिच्छ दुर्गे दोस्तों में मेरठ के हरि गोपाल नुक्ता है और अन्य व्यक्ति है, उसका नाम है हरि गोपाल नुक्ता, उसके पड़ोसी का नाम मेहरुन्निसा और उसके एक अन्य पड़ोसी का नाम है हीरा सिंह, हीरा सिंह, और उसके बेटा का नाम बालमुकुंद और अन्य व्यक्ति यहाँ है हरि गोपाल नुक्ता, उसका नाम क्या है, हरि गोपाल नुक्ता, हरि गोपाल नुक्ता मेरे मेरठ से मुझे रुपया भेज दिया देता है, वहां वे काम करता है, मेरठ से मेरठ में वे काम करता है, कौन, हरि गोपाल नुक्ता, और हरि गोपाल नुक्ता वहां से मुझे पैसा भेजता है और उसके साथ गेहूं की कुछ बोरियों भी वे भेज देता है, गेहूं की कुछ बोरियों, गेहूं का अर्थ क्या माने, गेहूं वीट गोदम, गेहूं की कुछ बोरियां भी हरि गोपाल मुफ्ता ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ചാക്കുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക, കുറച്ച് गेहूं की बोरियां भी वे भेज देते हैं, गुप्ता उन्होंने कहला भेजा कि मैं फिक्र न करूं, നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ते मेरी मदद कर किससे से करते रहेंगे, തന്റെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിച്ച ഓരോരുത്തരെയായി അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്. यहां हरिगोपाल नुक्ता, हरिगोपाल नुक्ते के बारे में वे इस प्रकार कहते हैं कि वे हमको रकम रुपया भेजता है और गेहूं की कुछ बोरियों भी भेज देते हैं. देखो अगला परिच्छेद, ये बातें जितना लिखना जरूरी नहीं था सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरियादिली और हमदर्दी की शुक्रिया अदा हो जाए. रात को चिराग नहीं जलते, दिन में चूल्हे नहीं सुलगते, जब अनाज ही नहीं तो चूल्हे कहाँ से जले, मकानों को मालिक मारे डाले गए हैं, वे होते तो घर में गला पानी आता, गालिब जिसके इस शहर में हजारों दोस्त है, इस तन्हाई और अकेलापन में सिर्फ अपने कलम के सहारे ही जिंदा बचा रह गया है, उसके सारे दोस्त एक-एक कर मारे डाले, मेरी आत्मा में अब केवल दुख ही दुख है, मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर जिंदगी गुजार रही है, दूसरे लोग जिस तरह रोटियां खाते हैं मैं कपड़ा खा रहा हूँ, डरते हूँ कि जब सब कपड़ा खा लूंगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊंगा. वे बातें जिनका लिखना जरूरी नहीं था सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरियादिली और हमदर्दी की शुक्रिया अदा करे, शुक्रिया अदा करे. रात तो चिराग नहीं जलते, दिन में चूल्हे नहीं सुलगते, जब अनाज ही नहीं है तो चूल्हे कहाँ से जले, मकानों के मालिक मार डाले गए हैं, वे होते तो घरों में गल्ला पानी आता, गालिब जिसके इस शहर में हजारों दोस्त है, इस तन्हाई और अकेलापन में सिर्फ अपने कलम के सहारे ही जिंदा बज रखा गया है, उसके सारे दोस्त एक-एक कर मारे डाले गए हैं, मेरी आत्मा में अब केवल दुख ही दुख है, मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर जिंदगी गुजार रहा हूँ, दूसरे लोग जिस तरह से रोटियां खाते हैं मैं कपड़ा खा रहा हूँ, डरते हूँ कि जब सब कपड़ा खा लूंगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊं. वे कहता है मैं इसी तरह लिखना है, उसको इसकी लिखना की जरूरी नहीं थी, लेकिन इसकी इतने लिखे ही है, इन लोगों की दरियादिली और हमदर्दी शुक्रिया के अदा करे, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത്. അവരെയൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വരുന്നത് കൊണ്ട്, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ പേര് ഇവിടെ ഡയറി മുഖാന്തരം എഴുതിയത്. മിർജ ഗാലിബിനെ കഹ ഹെ. രാത് മേ ചിരാഗ് നഹീൻ ജൽത്തെ,
उसकी अवस्था ऐसी प्रकार है, रात में चिराग नहीं जलते और दिन में चूल्हा नहीं सुलगते, रात्रि विलकिल्ला पगले अड़ुपु मिल्ला, अनाज के बिना कैसे चूल्हे नहीं सुलगते, ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെക്കാൻ അരിയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എന്തിനാ എങ്ങനെയാണ് അടുപ്പ് പുകയുക. വേ ഉസ് അവസ്ഥയ്ക്ക് ബാരമേ കേത്തെ ഹെ ഉസ് സമയ ഉസി പ്രകാർ ഹെ അംഗ്രേസോ നെ ഹംസെ അത്യാചാർ കിയ ഓർ ഹംസോ ഹംകോ ഭൂക് രൽത ഹെ ഇസി തരെ കൈ ലോഗോ കോ വേ മാരാ ഡാല ഇസി പ്രകാർ ഇസ് അവസ്ഥയ്ക്ക് ബജനെ കി ഉപായ നഹദെ असंख्य लोगों को मार डाले और उसके दोस्त भी मार डाले. इसी प्रकार इस समय वे चिंतित होती और वे सोच रहे थी इस प्रकार कैसे अवस्था है ये, अपने जान बचाने में कोई भी नहीं है और इस शहर के हजारों दोस्त थे, उसके तनखाई और अकेलापन सिर्फ मैं कलम के सिखारे है उसका जीवन और इसका जिंदा बजा रहा है. പേനയുടെ സഹായത്താലാ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നത്. ഇസ്കാ മാനേ ക്യാ ഹേ യേ കവി ഹേ ഇസ്ലിയേ ഉസ്കി അവസ്ഥക്കേ ബാരേ മേ ഓർ ഉസ്കേ ബാരേ മേ വേ ലിഖ്നാ ചാഹിയേ ഇസ്ലിയേ വേ ഇസി പ്രകാർ കൽത ഹേ ഓർ വേ ഇസ് പ്രകാർ കൽത ഹേ കി മേ അപ്ന ബിസ്തർ കടക്ക ബിസ്തർ ഓർ കപ്ഡേ ബേച് ബേച് കർ ജിന്ദഗി സരാ ജിന്ദഗി ഗുസാർ രഹാ ഹേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയില് കപ്പടെ ബേച്ച് ബേച്ചുകർ ചിന്തകി ബജാരഹാഹെ പുരിയാ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്. മേ ഉസ്കി അവസ്ഥയ്ക്ക് ബാരെ മേ ഇസ് പ്രകാർ കഹതാഹെ ഓർ ദൂസരെ ലോക് ജിസ് തരഹ് റോട്ടിയാ ഖാതെ ഹേ മേ കപ്പട ഖാ രഹാ ഹൂം വേ കപ്പടാധാരഹാഹും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, വസ്ത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. മീൻസ് ഉസ്കോ നഹേ ഉസ്കോ ജീനേക്ക് അവസ്ഥ നഹി ഹേ ഓർ ഉസ്കോ ജീന ഖതരാമേ ഹേ ഉസ്കേ ഉസ്കേ ജീവൻ ഖതരാമേ ഹേ ഇസി തരേ വേ കൈസേ ജീ കരൂ കൈസേ ജീന ഹേ ഡർത്താ ഹും ജേ മേ കപ്പട ഖാ ലൂംഗ വേ നംഗാ ഹി ഭൂക മർ നഗ്നമായ അവസ്ഥയിൽ വേ ഭൂക്ക മർദ്ദ ഭൂക്ക മീൻസ് ഭൂക്ക് ലഗ്ന വിശപ്പുണ്ടാവുക. ഇസി തര ഉസ്കേ അവസ്ഥക്കെ ബാരേമേ ഓർ ഉസ് സമയക്കെ അവസ്ഥക്കെ ബാരേമേ അംഗ്രേസോ കി അത്യാചാർക്കെ ബാരേമേ ഇസി പ്രകാർ ഏക് ഡയറി മിർജ ഗാലിബ്നെ ലിഖി ഹേ. പാഠ് അച്ഛി തര പഠോ. ആജ് കാ ക്ലാസ് സമാപ്ത കർത്തേ ഹും. അച്ഛാ ധന്യവാദ്.